दुनिया के डर से अपनी बेटी से मुंह मोड़ लो। जो माँ बाप ऐसा करते हैं ना, उनकी औलादें दर बदर हो जाती। पर ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता। इतना कुछ होने के बाद भी आपने इसको माफ कर दिया? कैसे माफ कर सकते हैं इसको आप? जो कुछ इसने हमलों के साथ किया, उसके बाद आप इसको कैसे लेकर आ गए वापस? मुझे ये शर्त लगानी ही नहीं चाहिए थी कि दानिश तुम्हें लेने आएगा तो भेजूंगा। अकरम नवाज के साथ तुम्हें रवाना कर देना चाहिए था। अपने उसूलों के चक्कर में शायद एक बार फिर ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। बाबा, क्या जरूरत थी उन्हें इनवाइट करने की? अरे मैंने क्या बुलाया भी खाने में? उसने तो खुद ही सारा प्रोग्राम बना लिया और तुम तो वहां मौजूद थे। मुझे तो बात करने की नौबत तक नहीं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम इतने टेंस्ड क्यों हो। इससे पहले भी तो डिनर पे तुम्हारे क्लाइंट्स कई बार घर आ चुके हैं, फिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? वहां परेशानी की बात यह नहीं कि वो खाने पर आ रहे हैं, परेशानी की बात यह है वो मेरी बीवी से मिलने आ रहे हैं, जो यहां है नहीं। What? जी। और अगर उन्हें आपके बरखुरदार के कारनामे पता लग गए तो उनका इंप्रेशन तो खैर जो बिगड़ेगा सो बिगड़ेगा, ये प्रोजेक्ट हाथ से चला जाएगा। बहुत उसूल पसंद आदमी है वो, ऐसे शख्स के साथ कभी कारोबार नहीं करेगा जिसकी नजर में रिश्तों की कोई अहमियत ही ना हो। प्रोजेक्ट तो मैं किसी सूरत अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो। क्या करोगे तुम? क्या कहोगे उससे कि तुम्हारी बीवी कहां है? अब क्या हम कोई बहाना नहीं बना सकते? वो अपने पेरेंट्स के घर पे है। यानी जिससे मिलने वो इस घर में आ रहा है उसे ही मंदिर से गायब कर देंगे? वाह भाई वाह। वो क्या सोचेंगे कि आखिर इसकी बीवी मैके से ससुराल वापस क्यों नहीं आ रही? शहरयार सिद्दीकी को बच्चा नहीं है जो हमारी बातों में आ जाएगा। उसे सब पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर, और अगर ऐसा हुआ तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। फैमिली रिलेशंस बहुत काउंट करते हैं उस शख्स की नजर में। तो फिर इस मसले का कोई तो हल होगा ना? भाई मेरे नजदीक तो इस मसले का सिर्फ एक ही हल है कि ये वहां जाएं और अपनी बीवी को वापस ले आएं। और वैसे भी वो कब तक अपने मेके में रहेगी? एक ना एक दिन तो उसे वापस आना ही है ना, तो बेहतर यह है कि आज ही ले आए। वरना दूसरी सूरत में इसे बिजनेस से हाथ धोने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे इसकी मर्जी। तो तुम इसीलिए इतने सारे दिनों से गायब थे? मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हो, इसलिए अपने सारे दोस्तों को अवॉइड कर रहे हो। तो मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया था कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ शुमैला। सॉरी सॉरी, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि इतने से मसले को लेकर तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो। भाई अगर वो क्लाइंट इतना इम्पोर्टेंट है तो अपनी बीवी को वापस लेकर आओ। सिंपल। आर यू सीरियस? मुझे तुम्हें ये सब बताना ही नहीं चाहिए था। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक तो ये ना तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम हद से ज्यादा इमोशनल हो। बिजनेस में ना इमोशंस नहीं चलते, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और ये तो फिर भी तुम्हारी बीवी है, उसको बस इंटेलिजेंटली टैकल करना है। क्या मतलब? यू सी माई फ्रेंड, ये जो बीवियाँ होती है ना बहुत मासूम होती है, स्पेशली द वंस जो हमारे सोशल स्टैंडिंग के नहीं है। उनको डील करना इज वेरी इजी।
बस दो चार जुमले बोल दो प्यार से, उसका दिल पिघल जाएगा। शुमाइला, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता और तुम चाहती हो कि मैं उससे प्यार से बात करूं। करना तो पड़ेगा मेरी जान, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए तुमने मेहनत किया है हाथ से छूट जाएगा। इतना बड़ा लॉस बेयर कर लोगे तुम? कर लूंगा, मैं हर लॉस बेयर कर लूंगा, लेकिन उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। तो सारी जिंदगी का थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो बस दो चार दिन का कह रही थी। और देखो, तुम्हें तो बस अपना काम निकलवाना है, राइट? फिर उसको घर वापस भेज देना। क्या करेगी बेचारी। ऐसा कब तक ऐसे कमरे में बंद रहोगी? बाहर आके हमारे साथ क्यों नहीं बैठती? मुझसे दादी और पुप्पो की बातें नहीं सुनी जाती। तुम एक काम करो, तुम वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। नहीं। क्यों? तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है आयशा, इतने सालों की मेहनत क्या इतनी आसानी से बर्बाद कर दोगी तुम? और कुछ बचा है बर्बाद करने को? For God's sake, आयशा, stop it, इतनी depressing बातें मत किया करो। कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं? जो हुआ उसे एक बुरा सबक समझ के याद जरूर रखो, लेकिन उसकी वजह से जीना तो मत छोड़ो। जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद करने का, हरकत में रहने का नाम है, ठहरने का नहीं। अरे ठहरे हुए तो पानी में भी बदबू हो जाती है। और फिर क्या हुआ तुम्हारी गोल्स का, एम्बिशंस का, कि पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, जॉब करूंगी, अब्बू का सहारा बनूंगी, क्या हुआ? मैं कैसे उनका सहारा बन सकती हूँ? मेरी वजह से तो उनके कंधे झुक गए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता अब्बू अब मुझे इजाजत देंगे यूनिवर्सिटी वापस आने की। मेरा दिल भी नहीं है अब। क्या करूंगी मैं ऐसी डिग्री हासिल करके? उनका एतमाद तो वापस नहीं ला सकती ना मैं, ना ही बदनामी मिटा सकती। क्या फायदा? लेकिन आयशा, प्लीज आयशा, मुझे मत फोर्स करो, मुझे नहीं जाना वापस यूनिवर्सिटी। आपकी चाय। तुम्हारी कहाँ है? तुमने पी होगी? नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा। चल रख दो बेटा। अब आपसे एक बात करनी थी। बोलो। मैं चाह रही थी कि आयशा दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करे, उसका लास्ट सेमेस्टर है, डिग्री मिल जाएगी उसे। ये आयशा ने कहा है तुमसे? नहीं अब्बू, उसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं खुद से कह रही हूँ। अब्बू वो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, रोती रहती है, मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। इस तरह तो वो और डिप्रेशन में चली जाएगी। एक हादसे ने हम दोनों की जिंदगियां बदल कर रखी। वो आप मेरे लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आयशा के लिए तो कर सकते हैं। और अब वो आपकी रजामंदी उसका मुस्तकबिल संवार सकती है। उसे यूनिवर्सिटी जाने दें वो, प्लीज। बेटा अच्छी तरह जानती हो मैं तालीम से कैसे मना कर सकता हूँ अपनी किसी भी बेटी। मुझे तो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, समझा सकती है तो मेरे दिल को समझा दो जो उसे हर दुख से बचाना चाहता है। जमानत दे सकती है तो इस बात की दे दो कि अब वो जिंदगी की किसी मोड़ पे भी कमजोर नहीं पड़ेगी।
अगर हौसला दे सकती हो तो ये हौसला दे कि वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर दुनिया से लड़ जाएगी। नहीं है ना तुम्हारे पास भी कोई जवाब? फिलहाल मेरे पास भी नहीं। आपने बुलाया आपको? बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? ऐसे क्या देख रही हो? मैंने बस यही पूछा है ना कि घर बैठकर टाइम जाया करना है या पढ़ाई मुकम्मल करनी है। इसमें रोने की क्या जरूरत है? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि वक्त जाया करने से बेहतर है कि अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। मुझे नहीं पढ़ना अब्बू। मतलब? मेरा दिल नहीं चाहता। अगर तुम तो प्लीज अब्बू, आप मुझसे कुछ और कहें मैं मान लूंगी। मुझे प्लीज पढ़ने के लिए मत कहें, मैं यूनिवर्सिटी वापस नहीं जा सकती। सर, शेरियार सिद्दीकी के पीए की कॉल आई थी। आप शायद उनके लिए कोई डिनर अरेंज करना चाह रहे थे। वो कंफर्म करना चाह रहे थे। यार ये तो पीछे पड़ गए। ठीक है, मैं उन्हें खुद कॉल कर लूंगा। थैंक यू सो मच। ओके सर। तुमने क्या सोचा बरखुदार? पिज्जा को लेने जा रहे हो या शहरयार सिद्दीकी के डिनर कैंसिल करना है? आप ही क्यों नहीं ले आते अपनी लाडली बहू को? अरे मैं तो गया था उसे लेने, लेकिन उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया। उसने जब उसका शौहर लेने नहीं आया तो किस गिरते पे मैं आपके साथ भेज दूं उसको? मेरे ख्याल में तो वो ठीक ही कह रहा। जी जी, वो हमेशा ठीक ही कहते हैं और सब ठीक कहते हैं। गलत मैं होता हूं हमेशा आपकी नजरों में। सारा जोर आपका मुझ पर ही चलता है। तुम पे अगर जोर चलता तो फिर आज फिजा अपने मैके में ना होती, तुम्हारे घर में होती। बहरहाल मैंने तय किया है कि मैं अब तुम्हारे मामले में दखल देना बंद कर दूं। तो बड़ी बेइज्जती हो चुकी है यार मेरी तुम्हारे ससुराल के हाथों। कहां तक बर्दाश्त करूंगा? अगर तुम ये मीटिंग नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, मुझे बता दो ताकि फिर मैं तुम्हारे इनकार की सूरत में कम से कम माजरत तो कर सकूं। शेरियार सिद्दीकी, मैं सोच लो, आखिरी फैसला तुम्हारा है, राइट? बिजनेस में ना इमोशंस नहीं चलते, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर भी तुम्हारी बीवी है, उसको बस इंटेलिजेंटली टैकल करना है। क्या बदतमीजी अनम, तुम्हारा मसला क्या है यार?
कब से इशारे कर रही हूँ, बंद करो बंद करो, समझ नहीं आती तुम्हें? सारा मेरा वजीफा खराब कर दिया। वजीफा? कैसा वजीफा? अगर इंसान का कोई भी जायज काम अटका हो ना, तो हर रोज असर की नमाज के बाद ये वजीफा करने से वो काम पूरा होता है। पता है मेरी दोस्त की अम्मी ने बताया था, उन्होंने उसकी शादी के लिए दुआ मांगी थी और ये वजीफा किया था, और पता है एक महीने के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई थी। तो मैं किसकी शादी करवानी, अपनी? अरे नहीं यार, मैं तो बाजी के लिए पढ़ रही हूँ कि बस अल्लाह ताला दानिश भाई के दिल में बाजी के लिए मोहब्बत भर दें और वो जल्द से जल्द यहाँ पर आकर उन्हें घर ले जाए। जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगी हो ना, उन पर ये वजीफा असर नहीं करते। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बातें तो मत करो। मुझे अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए ना, वो जरूर कबूल होती है। और तुम देखना, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। ठीक है, देखने दो वीडियो। यार ये बहुत मजे की वीडियो है। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। लेख भाई, अकरम बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत? जी हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है, आपके लिए खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी? वो ये कि आज रात को फिजा को लेने के लिए दानिश आएगा आपके घर। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वो असल में मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ लेख भाई, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा बेटा जरा गुस्सा भर जरूर है, थोड़ा जज्बाती है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। देर से सही, लेकिन उसे अकल जरूर आएगी। बहरहाल मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया था कि आप फिजा से कहिएगा कि वो तैयार रहे, दानिश ऑफिस से वापसी पे उसे पिक करेगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बताए ना, हम घर क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूं, मगर क्या बताएं दानिश, मगर क्या? मैं तुम्हें सिर्फ दो दिन के लिए अपने घर लेकर जा रहा हूं, तीसरे दिन तुम अपने घर वापस जाओगी, समझे तुम? वो पसाने तेरे पसाने तेरे। हाँ हाँ आओ बिटिया आओ। अबू, कोमल कह रही थी आप मुझे बुला रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी है बेटा तुमसे, आ जाओ बैठो मेरे सामने। क्या बात है अबू, आज बहुत खुश लग रहे हैं, ऑफिस से भी जल्दी आ गए। अरे बात ही ऐसी है बिटिया, दानिश लेने आ रहे हैं तुम्हें। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था। यही कैफियत हुई थी मेरी जब तुम्हारे ससुर का फोन आया। फिर मैंने सोचा कि मौजे शायद ऐसे ही होते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रख ली। मगर अबू, समझ सकता हूँ मैं बेटा, दानिश का जो रवैया तुम्हारे साथ रहा है ना, उसके बाद दिल में बेशुमार खदशात और वहम पैदा हुए। अब दानिश तुम्हें खुद चलकर लेने के लिए आ रहा है, और इस बात से तो यही पता चलता है ना कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे लिए यही बहुत है, बस तुम मेरी
एक बात याद रखना, उसके लिए अपने दिल में कभी कोई बदगुमानी ना रखना और ना ही कभी उसे अपनी गलती का एहसास होने देना। मर्द ऐसी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो माजी की गलतियों को बार बार दोहरा कर याद कर रहे। बस तुम नए सिरे से सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी शुरू करो बेटा। हाँ मुझे यकीन है कि मेरी बेटी बहुत समझदार है। मेरी बात समझ में आ रही है ना बेटी? जी वो। हाँ मुझे पता है, मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। बस बेटा ससुराल में अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना, उसकी इज्जत कम मत होने देना। वो मिर्चों वाले आलू के कतरे बनाओगी आज? क्यों नहीं, जाओ बेटा, शाबाश। बातें तेरी वो फसाने। बेटा कुछ लो ना, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं, तकल्लुफ की जरूरत है। मैं देती हूँ। नहीं नहीं प्लीज। अब इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, घर है तुम्हारा। और बेटा सब खैरियत है ना? अम्मी अब्बा ठीक है? जी। मैं फिजा को बुलाकर लाती हूँ, पता नहीं ऐसी कौन सी तैयारी के खत्म ही नहीं हो रही। नहीं तुम बैठो, मैं जाके देखता हूँ। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी कहीं। मैं जानती हूँ आयशा ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम अपने रवैये में हक बजाने हो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक दरखास्त है, कभी फिजा से कोई गलती हो जाए तो दरगुजर से काम लेना, उसे यहाँ दोबारा महके में ना भेजो। अल्लाह मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई। बिल्कुल ठीक कहा था मिसवा ने कि बस तुम पूरे दिल से और यकीन से ये वजीफा पढ़ना, फिर देखना इसका कमाल। मैं कल ही जाके ना उसका शुक्र अदा करूंगी। बाजी आप खुश तो है ना? फिजा बेटा तैयार हो? जी अब्बू। तो फिर आ जाओ जल्दी से बाहर। आ। ये बैग में रख लिया सब कुछ आपने? सब कुछ दे दिया था ना तुमने? असल में बेटा हम जैसे घरानों में शादीशुदा लड़कियों का महके आकर बैठ जाना बहुत मायूब समझा जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं भाई साहब को देखकर आती हूँ, वो भी पता नहीं कहाँ जाके बैठ गए। चलो भाई, कब से वो इंतजार कर रहा है, क्या कर रही है यहाँ पे बैठी हुई? अल्लाह अल्लाह करके तो वो लेने आया है तुम्हें, बुरा लग गया तो फिर चला जाएगा तुम्हें छोड़ के। चलो
जाने तो दो से आने की फिक्र लग गई है फिर। दुआ करो कि अपने घर में बसी रहे, अब ना आए यहाँ पे वापस। चलो जाओ, जल्दी जाओ। तुम कहाँ चली? फिजा को खुदाफिस कहने। कोई जरूरत नहीं है खुदाफिस कहने जाने के लिए। तुम कुछ होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई? तुम्हें पता है ना कि दानिश के सामने नहीं जाना है तुम्हें। चलो उधर, कोई जरूरत नहीं खुदाफिस कहने की। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? पता है ना हम घर क्यों नहीं जा रहे? इसलिए कि तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूं, मगर 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 क्या बताएं दानिश, मगर क्या? मैं तुम्हें सिर्फ दो दिन के लिए अपने घर लेकर जा रहा हूं, तीसरे दिन तुम अपने घर वापस जाओगी, समझे तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, डैड जितना भी इंसिस्ट करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए एक टॉर्चर है, समझे तुम? अगर मेरा साथ आपके लिए इतना अजियतनाक है तो मुझे लेने क्यों आए थे फिर? मजबूरी थी मेरी। हमारे एक क्लाइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट, जो तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले मेरी शादी किन सर्कमस्टांसेस में हुई है। इसलिए हमें उनके सामने खुश रहने का ड्रामा करना होगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगी? मैं अगर इनकार कर दूं तो मैं यही समझूंगा कि तुम भी अपनी बहन की तरह खुद गर्ज हो, जिसे अपने मफाद के आगे कुछ नजर नहीं आता। बाबा ने तुम लोगों की वजह से अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान कर दी, और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती। एनीवेज, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। अगर तुम इन सब पे अग्री करती हो तो गुड है, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम चाहोगी तो तुम्हें घर वापस छोड़ देता हूं। बोलो। लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरा और मेरी बच्ची का मान रख लिया, उसे इज्जत के साथ अपने घर का कर दिया। मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूंगा, बस अब मेरी फिजा की जिंदगी में मजीद कोई परेशानी ना आए, कोई दुख कोई तकलीफ उसे ना पहुंचे। या अल्लाह, उसे अपने घर में बहुत खुश बहुत मुतमईन रखना, उसे उसके हिस्से की सारी खुशियां नसीब करना मेरे मालिक। आमीन। सुम्मा आमीन। शुक्र है एक मुसीबत तो टली। अम्मा सच बताऊं, मुझे ना इस तरह दानिश का फिजा को ले जाना कुछ हजम नहीं हुआ। देखा था आपने, जब आप उसे समझा रही थी मैं तो डरी गई थी कि कहीं फिजा को फिर छोड़कर ही ना चला जाए। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन शुक्र है ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ अम्मा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना दानिश फिजा को लेने आ गया जबकि उसको पता था कि आयजा इसी घर में, वो उसे देख चुका था। तुम कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ कहो। अम्मा जरूर इसके पीछे ना
इन लोगों का कोई मकसद है। ये जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, बड़े ही मतलब परस्त होते हैं, बिना मतलब के मुंह नहीं लगाते किसी को। अरे जो भी मतलब हो, बस हमारी बिटिया को ले गए ना। शुक्र है जिस दिन से इसकी शादी हुई थी ना, एक दिन सुकून का नहीं देखा हमने। इसमें से दुआ है अब आयजा को कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो वो भी अपने घर की हो जाए। इतनी आसानी से उससे जान छूटने वाली नहीं है अम्मा। जो लड़कियां घर से भागकर अपनी इज्जत पे बट्टा लगाती है ना, उन्हें फिर कोई अपने घर की इज्जत नहीं बनाता। मुश्किल है। कह तो तुम ठीक रही हो, इससे तो अच्छा था कि आयजा उसी लड़के से शादी कर लेती। हम भी दो चार दिन रो पीट कर चुप करके बैठ जाते। उसने वापस आकर अपने साथ साथ हमें भी दोबारा मुश्किल में डाल दिया। उसने तो पूछा ही नहीं पलट के अम्मा, वो क्या शादी करेगा इससे। छोड़ो, आराम करो, मत हो। इक्वेशन दिए सॉल्व करो। मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे सर के ऊपर से क्या हो गया है अन्नम, अभी समझाया है मैंने, सॉल्व करो। क्या हुआ कोमल, नींद नहीं आ रही? पापी, मुझे फिजाबाजी के बगैर नींद कहाँ आती है? अब तुम्हारे लिए वो अपना घर छोड़कर सारी जिंदगी यहाँ तो नहीं रहेंगी ना, चुपचाप सो जाओ। चलो तुम मेरे साथ सो जाओ। क्यों उसकी आदतें खराब कर रही हैं? कल को आप भी शादी करके चली जाएंगी, फिर आपको भी याद करेगी। ना ही मेरी शादी हो रही है और ना ही मैं कहीं जा रही हूँ। तुम मेरे साथ सो जाओ आज। सॉल्व करो। अच्छा आओ बेटा, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। कैसी हो? मैं बहुत थका हूँ, कमरे में जा। मैं जरा जरीना को देखूं, चाय का कहा था, पता नहीं कहाँ रह गई। आओ बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो बेटा, दानिश तुम्हें इस घर में ले तो आया है, लेकिन उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें भी बड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। मैं चाहता था कि तुम दानिश के साथ रहो उसके आसपास, और इसीलिए मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर खुद गया था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने दानिश के आने की शर्त लगा दी। खैर कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त दानिश के साथ गुजारो। इस तरह मुझे यकीन है कि उसके दिल में नरम गोशा जरूर पैदा हो जाएगा तुम्हारे लिए। बहुत देर हो गई, तुम जाओ, जाके अपने कमरे में आराम। Thank you.
दानिश मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि तुम्हें उस लड़की के साथ नहीं रहना, जान छुड़ानी है उससे, और दूसरी तरफ तुम उससे जाकर वापस ले आए हो। माँ कल शहरयार सदीकी खाने पर आ रहे हैं और उन्हें इससे मिलना है, तो मेरे ख्याल से इसका यहाँ होना जरूरी है। I see. तो तुमने अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किया है? कॉम्प्रोमाइज नहीं, माँ दिस इज नॉट परमानेंट। मैंने उसे बता दिया है कि कल खाने के बाद उसे वापस अपने घर जाना है। क्या? और वो फिर भी चली आई, किस लिए? I don't know. And I don't care. बस एक बात है कि कल उसे खाने के बाद अपने घर जाना है, and that's fine. बाकी मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शायद मैंने दानिश की बात मानकर गलती की है। अगर मैं घर जाकर अब्बू को क्या बताती, क्या कहती मैं उनसे? कितने खुश थे वो आज। जिस तकलीफ से मैं अब्बू को बचाना चाहती हूँ, वो आज नहीं तो 2 दिन बाद उन्हें मिलकर ही रहेगी। फिर क्यों मैं अपने आप को डिग्रेड करूं, वो भी उस इंसान की खातिर जिसके आगे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। जो सिर्फ अपनी जात, सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचता है। एक चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली।